हेलो गाइस, आज हम करेंगे टी एस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 65 शेयर्स का। ठीक है, क्योंकि शेयर्स एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को समझ आता नहीं, पता नहीं, आसान चैप्टर है जबकि। और इसका क्या है ना कि अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन अगर पूरा नहीं कर पाते तो आधे से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। और 8 मार्क्स का पक्का से पक्का आना ही है क्वेश्चन, चॉइस भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन शेयर्स के होते हैं, चॉइस में भी है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये। आओ देखते हैं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने इशू करे 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक। ठीक है, तो यहाँ 40,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये आएंगे, ठीक है, अलॉटमेंट पे आएंगे 4.5 रुपये, जिसमें कि प्रीमियम जो है इंक्लूड है, ठीक है, और 6 रुपये आएंगे फर्स्ट कॉल पे। ठीक, अब 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 12.5, यानी कि प्रीमियम कितने रुपए का हो गया, देखो टोटल कितना बैठता है, 12.5, शेयर का प्राइस कितना बताया 10, तो 2.5 का क्या है प्रीमियम, भैया समझ आ गया। ठीक है, अब आउट टू हैवी सब्सक्रिप्शन। अब देखो क्या हुआ, कंपनी ने अपने शेयर इशू करे 40,000, जो पब्लिक है वो क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी, उसके साथ ये 2 रुपये, जैसे मान लो किसी को 800 शेयर्स खरीद जाए तो 800 × 2 1600 रुपये, 1600 रुपये भेजेंगे और कहेंगे जी हमें 800 शेयर्स दे दो। ऐसे पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी, कितने शेयर्स के लिए आई, प्रोराटा बेसिस पे भेजा, तो मतलब कुल मिला के 40,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ठीक है, तो इन्होंने एक रेशो में, यानी कि प्रोराटा बेसिस बोलते हैं जिसे, एक रेशो में जितने भी शेयर्स थे उन्हें 40,000 में कन्वर्ट करके 40,000 शेयर्स दिए। कैसे, आओ देखें, यहाँ लिखते हैं अप्लाइड फॉर, यहाँ लिखता है अलॉटेड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर, जो 20 जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे थे उन्हें कितने दिए, 10,000, यानी कि आधे शेयर्स दिए। किसी ने 400 मांगे थे तो उसे कितने मिले होंगे, 200। ठीक है, ये चलो इसके बाद कह रहा है 56,000 वालों को दिए 14,000, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड, 14,000। ठीक है, और 48,000 वालों को दिए 16,000, 48,000 वालों को 16,000। अब देखो 10, 20, 30, 40,000 हो गए, इसका टोटल कितना बैठता है, 48, 56 और 20, 1,24,000 शेयर्स वालों को इन्होंने 40,000 शेयर्स दिए। कैसे, जिन्होंने 20,000 मांगे उन्हें 10,000 दिए, 56,000 वालों को 14,000 दिए, 48,000 वालों को 16,000 दिए। ठीक है, कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ कि जो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो कहाँ, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। देखो इसका मतलब, देखो अब मैं क्या बताया था कि कोई भी अगर किसी को शेयर खरीद रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म फिल करेगा और ये वाले पैसा देगा, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन मनी देगा उस हिसाब से। अब मान लो इन्होंने पैसा भेजा 20,000 × 2 40,000, ठीक है, भेजना कितना था 10,000 × 2, क्योंकि इन्हें शेयर ही 10,000 मिले, यानी कि 20,000, तो इन्होंने कितना एक्स्ट्रा पैसा भेजा हुआ है, 20,000, इसे कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे, समझ गए। ठीक है, अब ऐसी मान लो इसमें से ही पहली वाली कैटेगरी में कोई शेयर होल्डर था, उसके पास थे 500 शेयर, तो उन्होंने पैसा भेजा होगा 500 × 2 के हिसाब से 1,000, पर भेजना कितना चाहिए था 250, क्योंकि उसने 500 के लिए अप्लाई करा तो उसमें मिले तो केवल 250 ही होंगे, आधे शेयर मिल रहे हैं,
इंटू दो तो कितना आ गया 500। तो उसने कितना पैसा फालतू भेज दिया, 500 रुपये। 500 रुपये हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, उसकी अलॉटमेंट पे। ठीक है, सही है। इसके बाद कह रहा है राम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड हु बिलोंग टू कैटेगरी वन, यानी कि इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। भैया इस फर्स्ट कैटेगरी से एक शेयर होल्डर बिलोंग करता है जिसका नाम क्या है, राम, जिसके पास जिसको 1000 शेयर्स मिले। ठीक है, या देखो अब राम एक शेयर होल्डर है, सही है, यहाँ लिख दो अप्लाइड फॉर, यहाँ लिख दिया अलॉटेड। ठीक है, इसको क्या कह रहा है, कितने शेयर्स अलॉट हुए, 1000। अब कोई ये बताओ कि इसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा, अगर ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में है तो इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा और इसने कितना पैसा भेजा होगा, सही है, तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, 2000। तभी तो इसे 1000 शेयर्स मिले। और इसका फॉर्मूला देखो क्या है, जो भी चीज निकालनी हो, सही है, अब मान लो हम इसमें क्या निकालना था कि कितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल अप्लाइड यानी कि 20000, जो चीज निकालनी है, जो भी चीज निकालनी है उसका टोटल न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड बाय अलॉटेड यानी कि 10000 और मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्टिंग शेयर्स कितने थे, 1000। तो 0000000 2000 2 × 1000 कितना होगा, 2000। समझ गए, ये इस तरीके से इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और 1000 शेयर इसको अलॉट हो गए। देखो जो भी चीज निकालनी होगी, अभी इन्होंने बताया ये फर्स्ट ग्रुप का था तो हमने अप्लाइड फॉर निकालना था, तो 20000 ऊपर रखा, 10000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्टिंग शेयर। अब हमें निकालना होता कि कितने, मान लो इसको बोलते ये कि कितने शेयर्स अलॉट हुए, ठीक है, अब हमें ये निकालना होता, मान लो यहाँ पे होते 2000 शेयर्स और हमें निकालना होता कितने अलॉट हुए, तो हम क्या करते, अलॉटेड वाले को ऊपर रखते यानी कि 10000 को ऊपर रखते, 20000 को नीचे और मल्टीप्लाई करते 2000 से, तो क्या निकल के आता, अलॉटेड 1000। समझ गए, जो भी चीज निकालनी है और जिस ग्रुप का है वो, उस ग्रुप का टोटल, सही है, टोटल को न्यूमिनेटर में रखो, दूसरी साइड नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्टिंग शेयर्स। ठीक, तो हम समझ गए कि राम ने 2000 शेयर्स के अप्लाई करा, उसको 1000 शेयर्स मिले। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है, और उसके शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर लिए कॉल के बाद। अब फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी यानी कि उसने ये वाला पैसा भेज दिया था, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आएगा, उसने वाला पैसा नहीं दिया, उसने वाला पैसा भी नहीं दिया, और इसके बाद उसके शेयर को फॉरफिट यानी कि कैंसिल कर दिया। ठीक है, सही है, इतनी बात हम समझ गए। अब ये क्या है ना, बहुत खिचड़ी टाइप हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी आगे की वर्किंग, क्लास भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन का एक पैटर्न पता लग गया, हाँ भाई क्या है। ठीक है, चलो।